भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच और दूसरे टेस्ट मैच के बाद अब तीसरे टेस्ट मैच का पहला दिन यहां पर खत्म हो चुका है। पहले दिन के खेल के खत्म होते होते यहां पर भारतीय टीम ने जबरदस्त अंदाज में आज बल्लेबाजी की। शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा ने की, जब टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। एक समय लग रहा था कि रोहित का फैसला शायद गलत साबित हो जाए, क्योंकि पाटा विकेट पर शुरुआती ओवर्स को झेलने में भारतीय खिलाड़ी नाकाम रहे। टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ। सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल चौथे ओवर में मार्कवुड को अपना विकेट दे बैठे। 10 गेंदों में 10 रन यशस्वी ने बनाए। इसके बाद शुभमन गिल, जो कि काफी शानदार फॉर्म में पिछले टेस्ट मैच के बाद लौटे थे, वो अपना विकेट यहां पर मार्कवुड को दे बैठे। विकेटकीपर बेन फोक्स ने स्पार्टा विकेट पर उनका बेहतरीन कैच लपका। रजत पाटीदार 15 गेंदों में 5 रन बनाकर हार्टले का शिकार बने। बेन डकेट ने उनका शानदार कैच लपका। एक समय भारत का स्कोर 33 रन पर 3 विकेट था, लेकिन इसके बाद रविंद्र जडेजा और रोहित शर्मा के बीच शानदार साझेदारी हुई। दोनों ने मिलकर दूसरे सेशन में विकेट ही नहीं गिरने दिया, जिसके बाद रोहित शर्मा ने शानदार टेस्ट शतक जड़ा और 196 गेंदों में 131 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। 14 चौके और 3 छक्के उन्होंने अपनी पारी में जड़े। रोहित शर्मा का विकेट भी यहां पर आज उन्होंने फिर अपना विकेट फेंका। अच्छी बैटिंग कर रहे थे, मार्कवुड की गेंद पर पुल करने के चक्कर में कप्तान बेन स्टोक्स को कैच दे बैठे। इसके बाद सरफराज खान और रविंद्र जडेजा की भी अगर बात की जाए तो दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। सरफराज खान अपने डेब्यू में काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। मैच 66 गेंदों में 62 रन उन्होंने बनाए। अनफॉर्चुनेट रहे, रन दौड़ गए रविंद्र जडेजा के शतक के लिए, लेकिन जडेजा ने मना किया। उनकी गलती के कारण सरफराज खान को अपना विकेट जो है वो गंवाना पड़ा। 9 चौके और 1 छक्का उन्होंने अपनी पारी में जड़ा, लेकिन सरफराज खान ने ये तो बता दिया कि वो स्पिन के कितने बेहतरीन प्लेयर हैं। हालांकि उनकी एक कमजोरी भी उजागर हुई शॉर्ट बॉल को लेकर, लेकिन आज उन्होंने शॉर्ट बॉल को जिस तरीके से छोड़ा था, ये समझ में आ रहा है कि सरफराज खान एक लंबी रेस के बड़े खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। हालांकि दिन का खेल खत्म होने तक यहां पर ऐसा लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में कि भारतीय टीम शायद अपनी विकेट जल्दी गंवा देंगी। अगर आप 33-3 के लिहाज से देखें तो भारत ने कोई खास खराब बल्लेबाजी नहीं की है। हाँ, रोहित शर्मा और सरफराज खान की जो विकेटें गई हैं वो हमने विकेट शायद इंग्लैंड को गिफ्ट में दी है, क्योंकि इंग्लिश टीम भी आज अपने घुटने टेक चुकी थी भारतीय बल्लेबाजों के सामने। ये पिच 500, 550, 600 रन की पिच है। अगर यहाँ पर भारत 350 या 400 रन के अंदर ऑल आउट हो जाता है तो फिर शायद इस टेस्ट मैच में हम इंग्लिश टीम को फिर से मैच में आने का मौका दे सकते हैं। लेकिन पहले दिन की पिच का फायदा भारतीय टीम ने बखूबी तरीके से जो उठाना चाहिए था वो उठा नहीं पाई है। हालांकि 300 से ज्यादा रन भारत ने बोर्ड पर जरूर लगाए हैं, लेकिन भारतीय टीम को ये समझना होगा कि किस तरीके से आप बड़े रन को यहां पर बनाते हैं। आज की अगर लाइमलाइट की बात की जाए तो रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा दोनों का शतक और इसके बाद सरफराज खान की जबरदस्त पारी, और उस पारी की बिना पर काफी शानदार अंदाज में उन्होंने जो अर्धशतक जड़ा अपने डेब्यू पर, आज शतक डिजर्व करते थे। और एक समय जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो लग रहा था कि डेब्यू मैच में सरफराज खान का बेहतरीन शतक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वो वाकई काबिले तारीफ है। इंग्लिश टीम की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, जिमी एंडरसन 19 ओवर 5 मैडन 47 रन, कोई सफलता नहीं। मार्कवुड 17 ओवर 2 मैडन 69 रन 3 विकेटे। टॉम हार्टले 23 ओवर 3 मैडन 81 रन 1 विकेट। जो रूट 13 ओवर 1 मैडन 68 रन, कोई सफलता नहीं। रेहान अहमद 14 ओवर 53 रन, कोई सफलता नहीं, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने काफी शानदार अंदाज में 350 से आसपास के रन यहां पर पहले ही दिन बोर्ड पर लगा दिए हैं। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।